हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड द इनिशियल बायोलॉजी एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट। टुडे आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हर साल तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप 9 से 10 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में सिक्योर कर पाएंगे। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बात आती है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल की, जिन्होंने लॉजिक से बायोलॉजी की तरफ रुख किया। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और इसे टैक्सोनॉमी का फाउंडर भी कहा जाता है। इनके बेसिस पर इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर सभी प्लांट्स को 3 भागों में बांटा, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स, और सभी एनिमल को 2 भागों में बांटा, रेड ब्लडेड एनिमल जिनके रेड ब्लड थे और जिनके पास रेड ब्लड नहीं थे। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पहले लेनियस की, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का न्यूट्रिशन और लोकोमोशन। इनके आधार पर पहला ग्रुप बना प्लांटी, दूसरा ग्रुप बना एनिमिलिया। प्लांटी में सभी प्लांट्स आते हैं और एनिमिलिया में सभी एनिमल्स आते हैं। इनके सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि कौन सा यूकेरियोट्स हैं, कौन प्रोकेरियोट्स हैं, कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी हैं और कौन नॉन फोटोसिंथेटिक हैं जिन्हें फंजी कहा जाता है आजकल। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हुए, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हुए एनिमल्स के और मेंबर्स हुए जो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आते थे। इसीलिए इस सिस्टम को इनएडिक्वेट कहा गया, इनसफिशियंट फॉर द पर्पस, मतलब क्लासिफिकेशन का कंप्लीट पर्पस ये नहीं पूरा कर पाया। तो आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आरएच विटकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने 5 ग्रुप बनाए, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेई, पांचवा एनिमिलिया। एक एक करके हम लोग इसको आगे देखेंगे। अब किस आधार पर उन्होंने बांटा इसको समझते हैं। ऑर्गेनिज्म को पहले 2 ग्रुप में बांटा, आइदर तो वो प्रोकैरियोट होंगे आइदर तो वो यूकैरियोट्स होंगे। जो प्रोकैरियोट्स हुए उन्हें कहा गया मोनेरा। तो इसका कैरेक्टर क्या हो गया, ये यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट्स होंगे, सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूकैरियोट्स में जो आए उन्हें 2 भागों में बांटा गया, आइदर तो वो यूनिसेलुलर होंगे आइदर तो वो मल्टीसेलुलर होंगे। तो जो यूनिसेलुलर हुए उन्हें कहा गया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का क्या कैरेक्टर हुआ, यूनिसेलुलर तो होंगे लेकिन यूकैरियोट्स होंगे। मोनेरा को हम लोग कह रहे थे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा हुए यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब मल्टीसेल्युलर जो हुए उनमें 2 कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी विद सेल वाल, दूसरा विथआउट सेल वाल। जिनके पास सेल वाल थे उनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो ऑटोट्रॉफ दूसरा हेटरोट्रॉफ। तो जो ऑटोट्रॉफ थे उन्हें नाम दिया गया प्लांटी का और जो हेटरोट्रॉफ थे उन्हें नाम दिया गया फंगाई का। अब जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता था विदाउट सेल वाल उन्हें कहा गया एनिमिलिया। तो टोटल 5 ग्रुप बनाए, पहला ग्रुप मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आप सभी इससे बेहतर रूबरू होंगे। तो सेल टाइप के आधार पर सिर्फ मोनेरा ही था जो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे, बाकी सभी प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमिलिया यूकैरियोटिक नेचर के थे।
अब सेलवाल की अगर बात करेंगे तो सेलवाल ये नॉन सेलुलर होते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बने होते हैं। इस कुछ प्रोटिस्टा में सेलवाल पाए जाते हैं। फंगाई में सेलवाल होता है लेकिन ये काइटीन का बना हुआ होता है, इसमें सेलुलोज नहीं होते हैं। प्लांटी में सेलवाल होते हैं और वो सेलुलोज के होते हैं। एनिमिलिया में सेलवाल अब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया था प्रोकैरियोट में, इसलिए यहाँ पर एब्सेंट होगा। और सभी में यूकैरियोट्स हैं, इसलिए सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये एक रेगुलर डेवलपमेंट है। पहले सेल लेवल का होते हैं तो मोनेरा सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है तो सेलुलर होगा। फंगाई में मल्टी सेलुलर का ऑर्गन आ जाएगा, लूज टिश्यू होंगे। इसके बाद प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, और एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ही। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कीमोसिंथेटिक क्या है, फोटोसिंथेटिक क्या है। ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे एक बार डिटेल से। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। फंगाई हमेशा ही हेटरोट्रॉपिक होते हैं, आदर सेप्रोफाइटिक होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक उसको कहते हैं जो डेड एंड डीके पे रहता है, और पैरासिटिक वैसे करते हैं जो डिपेंड करता है लाइव ऑर्गेनिज्म पे। प्लांटी हमेशा ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटो में भी फोटो ऑटोट्रॉप होंगे ये, और एनिमिलिया तो हमेशा ही हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इसका मोड या तो होलोजोइक हो सकता है तो सेप्रोफाइटिक हो सकता है, मतलब या तो सॉलिड फूड लेते हैं जिसको होलोजोइक कहते हैं, या डेड को लेते हैं जिसको हम लोग सेप्रोफाइटिक कहते हैं। एक नज़र में देख लेते हैं पांचों किंगडम को। मोनेरा है, यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। इन दोनों में इतना ही अंतर है, कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा होता है और कोई भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मोनेरा होता है। फंगाई का क्या है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसका खास जो है गुण वो है कि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में भी या तो सेप्रोफाइटिक होंगे आइदर तो पारासाइटिक होंगे। इसमें सेलवाल होता है लेकिन ये काइटिनस सेलवाल होता है। ये दो चीज़ इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हेटरोट्रॉपिक और सेलवाल विथ काइटीन। अब प्लांटी की बात करें तो ये सभी मल्टीसेलुलर होंगे, यूकेरियोट्स होंगे, फोटोट्रॉपिक होंगे और सेलवाल होंगे सेलुलोज का। एनिमिलिया में मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म और सेलवाल नहीं होता। फंगाई और एनिमिलिया में कुछ गुण मिलते जुलते हैं कि वो भी मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर, वो हेटरोट्रॉपिक, ये भी हेटरोट्रॉपिक। डिफरेंट क्या है कि इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता एनिमिलिया में, फंगाई में सेलवाल पाया जाता है काइटीन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करें, मदद करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसमें पॉइंट करने वाली नोट क्या थी कि पहले क्लासिफिकेशन में ये सभी बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एनगी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट के अंदर थे, लेकिन जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया तो क्लामाइडोमोनास, पारामीसियम, अमीबा, क्लोरेला, ये सभी किस में आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और यूकेरियोट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी।